नमस्कार प्रिय मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का DSR जोन में। मित्रों, एक बहुत ही सरल और बहुत ही शक्तिशाली उपाय आज हम आपको बताने जा रहे हैं। एक ऐसा उपाय मित्रों, ये एक ऐसी विद्या है, ओलंग विद्या, जिसे आप कर लें, कोई भी इंसान, चाहे वह नाराज है, रुष्ट हो गया है, दूर जा रहा है, आपके प्यार को भूल गया है, या कोई ऐसा इंसान जिसे आप चाहते हैं परंतु अपने दिल की बात उस तक नहीं पहुंचा सकते, या वो आपके दिल की बात नहीं सुन रहा, नहीं समझ रहा, ऐसे में इस विद्या का प्रयोग करने से मित्रों, वो इंसान आपकी ओर खिंचा चला आएगा। कितना भी पुराना, कितना भी ख़राब संबंध हो, रिश्ता हो, या कोई भी एक तरफा प्यार हो, प्रेम हो, मित्रों इस उपाय को कर लें, वो इंसान खिंचा चला आएगा और मात्र 3 घंटे में उसके दिल में आपके लिए हलचल मिट जाएगी और वो इंसान आपके लिए तड़पने लगेगा, व्याकुल हो उठेगा। बहुत सरल सी विधि है, बड़े ध्यान से आप इसे सुनें और अंत तक सुनें, जिससे आप कहीं भी कोई गलती ना करें और आप अपने उस प्यार को, अपने उस साथी को पाने में सफल हों। पति पत्नी, कोई मित्र, प्रेमी प्रेमिका, कोई भी इस उपाय को कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है। उपाय शुरू करने से पहले अपने हाथ मुंह पैर अच्छे से धो लें। पूर्व दिशा की ओर, जिस ओर से सूर्य उदय होता है, ईस्ट की ओर मुख करके आपने बैठना है किसी भी आसन कपड़े पर। जिस आसन पर आप बैठें वो काले रंग का ना हो। अब आपने क्या करना है, पालथी मारकर, पलाश मारकर बैठें, एक लाल रंग का, लाल स्याही वाली कोई भी वस्तु ले लें, स्केच पेन, मार्कर पेन, कुछ भी ले लें। आपने क्या करना है, साथ में लेना है एक पीला धागा, 5-6 इंच का पीला धागा ले लें। इस धागे को आपने अपनी कनिष्ठ उंगली पर लपेटना है, जैसे वीडियो में दिखाया गया है, छोटी उंगली पर, लिटिल फिंगर, उल्टे हाथ की, लेफ्ट हैंड की, उस पर आपने इसे 3 बार लपेटना है। कैसे लपेटना है ये विधि जान लें मित्रों। सबसे पहले आपने हथेली पर लाल रंग से जैसा शब्द दिया गया है होंग लिखना है, जैसा दिया गया है बिल्कुल वैसा ही बीचों बीच हथेली के आप लिख दें। जिस समय लिखें उस व्यक्ति को ध्यान करें, 5-10 सेकंड, जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं। अब आपने क्या करना है, जो धागा है उसे 3 बार लपेटें। 3 बार जब धागा लपेटेंगे पीला वाला आप, तो 1, 2, 3 तीनों बार आपने उस व्यक्ति का नाम लेना है। नाम लेने के बाद इसे लपेटना, गांठ नहीं लगानी है, अंदर की तरफ ही इसे मोड़ दें ताकि खुले नहीं। अब आपने हूंग जो शब्द लिखा है उस पर अपने सीधे हाथ का अंगूठा रख देना है। हथेली को सामने लाएं, उस पर अंगूठा रख दें और उसके बाद हूंग शब्द का 21 बार उच्चारण करें, हूंग हूंग हूंग, इस प्रकार 21 बार बोलें और मन में उस इंसान को विचारते रहें, जो भी जिसे आप चाहते हैं, पुरुष स्त्री कोई भी हो, उसे विचारते रहें। मित्रों ये आप करें, उसके बाद जब ये पूर्ण हो जाए, अपनी हथेली पर उस स्थान से खड़े हों, धागा बंधे रहने दें और जो पानी लें आप, थोड़ा सा 2-4 बूंद पानी, जो पीने वाला आपका पानी होता है, पीने योग्य, खारा पानी ना लें, नमकीन पानी ना लें, उस पानी की 2-4 बूंदें इसके ऊपर रख दें, यानी गीला कर दें इसे एक बार हल्का सा होंग को, और उसके बाद उसी अंगूठे से पोंछ दें वहीं से पानी को। बस ये आप करें और उसके बाद आपने कुछ नहीं करना, 3 घंटे ये धागा अपने हाथ में बंधे रहने देना है। 3 घंटे के बाद इसे आप कहीं भी तुलसी के पौधे पर या किसी अन्य पौधे पर, जो हरा भरा पौधा हो, लटका दें, छोड़ दें उसके ऊपर। नहीं कर सकते आप इसे छत पर कहीं रख दें, दीवार के ऊपर। ये ध्यान रहे मित्रों विशेष तौर पर कि जब भी आप इसे कहीं रखेंगे, अगर आप इसे पेड़ या पौधे पर डाल रहे हैं कोई परेशानी की बात नहीं है, परंतु अगर आप इसे किसी दीवार पर रख रहे हैं या किसी चीज़ के सहारे रख रहे हैं, उसका कद आपसे ऊंचा होना चाहिए। तो मित्रों ये है उपाय, बड़ा ही सरल उपाय है, इसे आप कर लेंगे, वो इंसान जिसे आप चाहते हैं मित्रों खिंचा चलाएगा आपकी ओर। अब दें आज्ञा मित्रों, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। ख्याल रखें अपना, खुश रहें।